हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं वेशराज भट्टराय और आप देख रहे हैं रियल शेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मार्केट स्टाइल चिकन मोमोज कैसे बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चिकन मोमोज बनाने के लिए 1.25 किलो कीमा का यूज़ करने वाले हैं। सो उसी हिसाब से हम मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। सो 1.25 किलो कीमा में हम 100 ग्राम सोयाबीन ऐड करने वाले हैं। सो इसको हम सबसे पहले भिगाएंगे। सोयाबीन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि आपको मार्केट में 99% सोयाबीन ऐड किया हुआ चिकन मोमोस मिलेगा। इसलिए हम आज मार्केट वाली स्टाइल की मोमोस बना रहे हैं चिकन मोमोस, तो इसलिए हम सेम टू सेम बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए ऐड कर रहे हैं। तो जब तक सोयाबीन भीग जाएगा तब तक हम मैदा लगाते हैं। मैदा हमें जैसे सेम घर में रोटी बनाने के लिए आटा लगाया जाता है उसी तरीके से लगाना है। इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना अंडा, ना नमक, ना कुछ और कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। नॉर्मल मैदा को जैसे आटा लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है। सो अभी हम 1.5 किलो मैदा लगाने वाले हैं। ये नॉर्मल मैदा है जो मार्केट में मिलता है, जो 50 किलो की बोरी में आती है, पेटेंटी मैदा करके, वही मैदा है जो काफ़ी अच्छा होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था मैदा कैसे लगाना है। पिछला वीडियो जो भेज मोमोस का वीडियो था, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने मैदा लगाना सिखाया हुआ है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें मैदा को लगाना है, बिल्कुल टाइट है और बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा तेल लगा के इसको थोड़ी देर पन्नी में बंद करके रखेंगे। सो थोड़ा सा तेल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। सो इसको चारों तरफ से लगा देते हैं। सो इसको एक पन्नी में ऐसे, तो हमने मैदा लगा लिया है और आपको भी समझ आया होगा मैदा कैसे लगाना है। हमने लगा के हल्का सा तेल लगा के पन्नी में बांध के रख दिया। इसको हम कम से कम 20-30 मिनट रखेंगे। इससे क्या होता है कि ये काफ़ी सॉफ्ट होगा और बहुत बढ़िया मोमोस इसे बनेंगे। सो हम जब तक, अब क्या करने वाले हैं, हमारा सोयाबीन भीग चुका है, हम इसको निचोड़ने वाले हैं। इसको निचोड़ के हम सीधा ग्राइंडर में रख रहे हैं क्योंकि हम इसको पीसेंगे। इसको अच्छी तरीके से निचोड़े। ये सोयाबीन जब भी यूज़ करें आप फॉर्चून का यूज़ करें, नहीं तो बाकी कंपनी के ज़्यादा अच्छे नहीं होते। हमने कई बार ट्राई किया था तो थोड़ा सा हल्का सा स्मेल सा आ जाता है उसमें से। सो हमेशा फॉर्चून का यूज़ करें। सो इस तरीके से हमने सोयाबीन को निचोड़ लिया अच्छी तरीके से। अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। सो देख सकते हैं इस तरीके से सोयाबीन हमने पीस लिया है। तो गाइज, अब हम कीमा को तैयार करेंगे। कीमा को तैयार करने के लिए देख सकते हैं हमने 1 किलो प्योर कीमा लिया हुआ है। ये बिल्कुल प्योर कीमा है, ये 1 किलो है। और ये देख सकते हैं ये 250 ग्राम स्किन वाला कीमा है। सो इसको भी हम ऐड करेंगे। ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ आप प्योर कीमा के अगर मोमोज बनाएंगे तो आपके मोमोज बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते, स्किन वाली कीमा नहीं डालना चाहते, तो आपको इसमें डालडा घी ऐड करना पड़ेगा। तो उसकी जगह हम इसको ऐड कर रहे हैं। और हम इसमें ऐड करने वाले हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम डालने वाले हैं इसमें लगभग 1.25 किलो हमने प्याज डाला हुआ है। इसको हमने देख सकते हैं इस तरीके से बारीक काट के रखा हुआ है, तो इसको हम ऐड करने वाले हैं। ये 1.25 किलो है लगभग। उसके बाद हमने यहाँ पे 100 ग्राम सोयाबीन पिसा हुआ था, ये भी हम इसी में डालने वाले हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाला, ये किचन किंग मसाला, वेजिटेबल में भी मैंने डाला था। सो इसमें भी हम डालने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का डालना है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसकी स्मेल भी आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आपके मोमो जितना सिंपल होंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। सो अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, स्वाद के हिसाब से। सो इसमें हम डालने वाले हैं अजीनोमोटो। सो हल्का सा हम अजीनोमोटो डालेंगे। और आप इसमें हरा धनिया बारीक काट के ज़रूर डालें, लेकिन हमारे पास अभी हरा धनिया नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। सो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिलाने वाले हैं। सो इस तरीके से हमने एक कीमा को मल लिया है। अब हम इस बर्तन में इसको निकालेंगे।
सो गाइस हमने कीमा को भी तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं हमने बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं डाला, बल्कि इस धनिया हरा धनिया की कमी है इसमें, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छे की जगह और ख़राब बनेगा। बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह इसमें कुछ नहीं डालना है। कीमा को तैयार करने के लिए हमने 1 किलो प्योर कीमा लिया और 250 ग्राम हमने स्किन वाली कीमा ली। स्किन वाला कीमा हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे तो हमारे मोमोज काफ़ी हार्ड बनेंगे। अगर स्किन वाला कीमा आप यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आपको डालडा ही यूज़ करना पड़ेगा। सो बाकी हमने 1.25 किलो प्याज लिया बारीक काट के, उसके बाद 100 ग्राम हमने इसमें सोयाबीन ऐड कर लिया। तो सबको हमने अच्छी तरीके से मिला के ये हमने कीमा तैयार की। सो अब हमारा काम है मैदा। अब हम मैदा को मारने वाले हैं। मैदा देख सकते हैं बहुत अच्छा ऑलरेडी हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो इसको हम अब अच्छी तरीके से मालेंगे दोबारा। आप जब भी मोमोज बनाओगे एक तो मैदा मेन, क्योंकि अगर मैदा थोड़ा सा भी गलती से गीला हो गया या फिर ज़्यादा टाइट हो गया, ये सही नहीं बना तो आपके मोमोज वैसे भी सही नहीं बनेंगे, क्योंकि मैदा के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका मोमोज कितने अच्छे बनेंगे। और कीमा के भी ध्यान से बनाएं, क्योंकि जितना टेस्टी कीमा बनेगा आपके मोमोज भी उतने टेस्टी बनेंगे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा मैदा लग के तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आपको भी इतने ही अच्छा तरीके से मैदा लगाना है। आपको देख के पता लग रहा होगा कि ये कितना अच्छा मैदा लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा तेल लगाएंगे। देख सकते हैं हल्का सा इस तरीके से तेल लगा के इसको थोड़ा सा चौड़ा करते हैं। अब हम इसको ऐसे काटेंगे लंबाई में। ये वेज मोमोज, पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, कोई भी मोमोज हो, मैदा सबका सेम लगेगा। अब इसको सिंपल ऐसे करेंगे। ऐसे करना है, फिर इस तरीके से इनको तोड़ना है। देख सकते हैं इतने बड़े बड़े साइज में इनको तोड़ना है। जब आप शुरू में तोड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े टूटेंगे, लेकिन जब आपको बार बार तोड़ेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगा, फिर ये गोल टूटने लगेंगे। देख सकते हैं इस साइज में इनको सारे को तोड़ना है। सो हम भी इसी तरीके से सबको तोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने सारा पेड़ा तोड़ लिया है। अब हम थोड़ा सा हाथ में तेल लेंगे हल्का सा। अब ऐसे करके इनमें लगाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये आपस में चिपके ना। अब हम इसमें डालेंगे सूखा मैदा। सूखा मैदा लेके ऐसे हल्का सा डालेंगे और फिर मिलाएंगे। अब ये आपस में चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। सो इस तरीके से हमारे पेड़े भी तैयार हो गए हैं। अब हम मोमोज बनाने की तैयारी करेंगे। अब इसको थोड़ा ढक देते हैं, अगर नहीं ढकेंगे तो हवा लगेगा तो बाहर का ये कवर सूख जाएगा। हमारा सारा तैयारी हो गया है, अब हम मोमोज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सो मोमोज बनाने के लिए हमें ये स्टीम लिया है, इसमें हम क्या करेंगे, एक पन्नी लिया है, इससे हम इसमें अच्छी तरीके से तेल लगाएंगे, इसलिए कि ये जो हम मोमोज बनाएंगे बना के इसमें रखेंगे तो स्टीम में चिपके ना। सो इधर हम मोमोज बनाने चालू करेंगे, जब तक हम पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। सो हम छोटे छोटे रोटी बेलने वाले हैं, थोड़ा सा दो चार ऐसे पेड़े बाहर निकालते हैं, फिर इसको वापस यहाँ ढक देते हैं, इनमें थोड़ा मैदा लगाते हैं और सो अब बेलते हैं रोटी। रोटी बेलना देखो बहुत आसान है, ऐसे करना है यहाँ से
बस दो बार में आपकी रोटी तैयार इस तरीके से। और इतने बड़े बड़े रोटी बेलने आपको। कोशिश करें रोटी चारों तरफ से बराबर बिल जाए। जब हम ग्रुप में बनाते हैं तो एक बंदा रोटी बेलता है, दो बंदे साथ में बनाते हैं और एक बंदा स्टीम करता है। और हम रोज़ 5-7 किलो कीमा का मोमोस बनाते हैं, लेकिन अभी मैं 1 किलो कीमा का बना रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ, आराम से दिखा सकूँ। सो यहाँ तक तो लोग मोमोस जैसे तैसे तैयारी कर लेते हैं, बना लेते हैं एक दो बार देखने के बाद, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। तो एक हाथ में रोटी लेना है, ऐसे देख सकते हैं इस तरीके से रोटी लिए, फिर एक चम्मच से इस तरीके से कीमा लेना है आपको, ये देखो इस तरीके से रोटी में रखना है, इस तरीके से रोटी लेना है और ऐसे कीमा लेना है। बहुत स्लो मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या करना है, पहला स्टेप यहाँ देख लीजिए, आप भी ऐसे कीजिए, ऐसे करके ये उंगली से और ये दोनों को बंद कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। फिर इसको यहीं के यहीं रहने दीजिए, फिर ये उंगली से यहाँ पे ऐसे करना है, देख सकते, फिर इससे यहाँ पे, फिर इससे दो बार दो मुझे बनाने हैं, दो बार करने हैं ऐसे, फिर छोड़ दीजिए, फिर इसमें देख सकते हैं इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ऐसे रोटी लेना है, कीमा डाल दिए, सिंपल देखो ऐसे, फिर यहाँ पे ये उंगली से, फिर आगे इसमें एक बार करना है, इस साइड से एक ही बार करना है, एक बार में इधर 2-3 बार तक कर सकते हो, फिर एक बार ऐसे, फिर ऐसे, देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे मोमोस बनाएंगे। सो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी ज़रूर बन जाएगा। सो इस तरीके से गाइस देख सकते हैं हमने कितने अच्छी तरीके से डिज़ाइन से मोमोस बनाए हैं। सो देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमने मोमोस को बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा तेल लगाएंगे, तो हल्का सा तेल लगा के इसमें इस तरीके से तेल लगाना है। सो हमने तेल लगा लिया इस तरीके से, अब हमें इसको अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि तेल हर तरफ से अच्छी तरीके से लग सके। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, सो हम स्टीम में इसको चढ़ाएंगे। सो देख सकते हैं पानी बॉयल हो चुका है, तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इसको लगभग 10 मिनट लगेंगे पकने के लिए, जब तक हम इधर और मोमोस बनाएंगे। सो भेज मोमोस मैंने पिछले वीडियो में बनाने सिखाया था, भेज मोमोस का एक डिज़ाइन बना के सिखाता हूँ, वो गोल बनता है, इसको इस तरीके से बनाना होता है, देख सकते हैं इस ये डिज़ाइन का भेज मोमोस बनता है। आप घर में खाने के लिए कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मार्केट में इस डिज़ाइन का आपको भेज मोमोस मिलेगा। तो एक और बना के दिखाता हूँ, भेज मोमोस बनाने के लिए बहुत ही आसान है। ऐसे ही सेम ऐसे आपको बीच में इस तरीके से उंगली रखना है, फिर ऐसे करना है, फिर ये देख सकते हैं ये उंगली से यहाँ से मसाला मिलाएगा, ये सेट करेगा और ये इसको स्लाइस करना है आपको इस तरीके से यहाँ रख के, फिर ये आगे बढ़ते जाना है। देख सकते हैं इस तरीके से हमारा भेज मोमो बनता है, लेकिन अभी हम बना रहे हैं चिकन मोमो। सो 5-7 मिनट हो गए हैं, ये देखते हैं ये कितना पके हैं, देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं, लगभग ये 80-90% ये पक चुके हैं। सो इसको हटा देते हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं। देख सकते हैं कितना यम्मी और जूसी बढ़िया लग रहे हैं मोमोज। सो ये अभी 100% नहीं पके हैं, लेकिन लगभग ये बहुत अच्छी तरीके से पक गए हैं, तो इसको हम ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख देते हैं। तो ये मोमो को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया, अब हम दूसरा मोमोस स्टीम में चढ़ाने वाले हैं।
सो इसको भी हम उसी तरीके से सेम तरीके से चढ़ाएंगे, हल्का सा तेल लगाएंगे इस तरीके से, फिर हम इसको आपस में मिलाएंगे ताकि तेल हर तरफ लगे मोमोज के चारों तरफ। फिर हम इसको स्टीम में चढ़ा देंगे। अब हमारे पास ये स्टीम खाली हो गया है, अब हम मोमोज बना के इसमें रखेंगे। सो गाइस देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारा चिकन मोमोज बना लिया है। सो उधर हमारा स्टीम हो रहा है और इधर हमने ये ख़त्म कर लिया है। सो अब हम इसको स्टीम में चढ़ाएंगे। सो हम इसको भी तेल लगा के सेम तरीके से स्टीम में चढ़ाएंगे। सो ये भी साइड पक गया होगा, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। सो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो हमारे ये मोमोज भी फाइनली स्टीम हो गए हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो गए हैं। सो इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। सो इनको थोड़ा सा हम खोल देते हैं ताकि आराम से ठंडे हो सके। सो हमने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया। आपको ध्यान रखना है कि इसमें पंखा लगा के ठंडा नहीं करना। अगर आप पंखा लगा के ठंडा करेंगे तो इसका जो बाहर का जो कवर है, ये कवर जो है बाहर का, ये हार्ड हो जाएगा। और मोमोस में कवर हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए। सो देख सकते हैं कितना जूसी बढ़िया लग रहा है मोमोस, आप देख सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं हमने कितने अच्छे जूसी मोमोस बना के तैयार कर लिए हैं। देखने में बहुत जूसी, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। सो इस तरीके से आप भी चिकन मोमोस बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप घर के लिए अपने खाने के लिए बना रहे हो तो इनको डायरेक्ट एक बार स्टीम करके डायरेक्ट पूरा 100% पका के खा सकते हैं। अगर आप दुकान के लिए बना रहे हैं या बेचने के लिए बना रहे हैं तो इसको 70-80% 90% तक पका के फिर दोबारा जब कस्टमर को बेचने का टाइम होगा दोबारा आप पका के इसको बेच सकते हैं। सो गाइज हम मोमोज खुद खा के भी देखने वाले हैं कि मोमोज कैसे बने हैं। सो इसलिए हम इसको दोबारा पकाएंगे। सो आप देख सकते हैं ये लगभग पहले ही 90% लगभग पक चुके हैं। सो अब दोबारा पकने में ये टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। पहले आप शुरू में स्टीम करते हैं लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है, अब हम दोबारा इसको लगभग 5-7 मिनट पकाएंगे। सो हमारे मोमोज बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। सो देख सकते हैं, वाह देख सकते हैं किस तरीके से मस्त तरीके से पके हुए हैं। इसको निकालते हैं। तो इसमें हम थोड़ा बटर भी लगाने वाले हैं, वैसे बहुत जूसी है लेकिन ऊपर से और बटर लगाएंगे और अच्छा लगेगा। अब इसमें हम थोड़ा ओरिगानो डालेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि आप जो ऊपर से मसाला डालते हैं वो कौन सा होता है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पिज्जा सीजनिंग मसाला है, बहुत ही अच्छा मसाला है ये। मार्केट में आपको ये 500 रुपये किलो मिलेगा। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं बिल्कुल, ये देख सकते हैं बारीक, बहुत अच्छा मसाला है ये। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से, जब मोमोस आप मार्केट में बेच रहे हो तो बहुत बढ़िया बना के बेचे ताकि मोमोस आपके इसकी वजह से और भी टेस्टी और बढ़िया लगेंगे। अब ये चटनी हमने अलग से बनाया है, ये तिल वाली चटनी है, ये बहुत ही अच्छी होती है ये चटनी। इसकी भी रेसिपी मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं हमारे मोमोस कैसे बने हैं। बहुत गर्म है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसका अंदर से कीमा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लाजवाब लग रहा है। इसको लगाते हैं चटनी में बढ़िया। ये मार्केट वाली चटनी से थोड़ा डिफरेंट चटनी है, इसकी रेसिपी आपको जरूर शेयर करूंगा। सो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि चिकन मोमोज कैसे बनाया जाता है और मैंने आपको बहुत अच्छा चिकन मोमोज बनाने सिखाया। मार्केट में बहुत ज़्यादा सोयाबीन ऐड करते हैं लोग, वो जिसकी वजह से मोमोज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से अपने प्राइस के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो सोयाबीन और भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 1 किलो कीमा में आप 100-150 ग्राम सोयाबीन डालते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट मोमोज बनता है।
तो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, वो हमारे मोमोज देखते हो आपकी बहुत ज़्यादा व्हाइट और बहुत अच्छे बने होते हैं, और बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे मोमोज काले क्यों बन जाते हैं, कि आपके मोमोज इतने व्हाइट व्हाइट सफ़ेद अच्छे बन जाते हैं। तो इसका कारण मैं बता देता हूँ, सबसे पहला कारण तो मैदा का होता है। क्यों, आप हो सकता है किसी लोकल दुकान से ऐसे ले रहे हो जो जिसका मैदा बहुत पुराना हो, उसकी वजह से पहली बात तो उसकी वजह से मोमोज काले हो जाते हैं। जो अगर आप स्टीम करते हैं पहली बार स्टीम में आपके मोमोज काले हो रहे हैं तो 100% आपका मैदे में खराबी है। और दूसरी बात, आपके मोमोज बहुत ज़्यादा पकने की वजह से काले हो सकते हैं, जैसे कि आपके मोमोज बिल्कुल खाने लायक हो गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट पके हुए हैं, लेकिन आपके मोमोज नहीं बिके, आपके मोमोज पकते गए, तो आपके मोमोज अगर आधे घंटे से ज़्यादा स्टीम में पकते रहें तो उसकी वजह से आपके मोमोज काले हो जाते हैं, जैसे कि बाहर का मैदा वगैरह धीरे धीरे काला हो जाता है। और वेज मोमोज तो बहुत ज़्यादा काले होते हैं क्योंकि गोभी भी अंदर से काला हो जाता है। सो तीसरी बात यह है कि अगर आपके मोमोज आज नहीं बिके, आपने फ्रिज में रख दिया और कल आपने बेचने के लिए गर्म किए, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी काले हो जाते हैं। सो ये तीन रीज़न हो सकते हैं आपके मोमोज काले होने के। सो गाइस, इस वीडियो को आप करते हैं यही खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।